Friends, welcome to my YouTube channel Concept of Mathematics. I am Balram Yadav. Here I will teach you today vector space, a very important topic of linear algebra, which is common in all higher mathematics entrance exam as well as NET exam. तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की नज़र से। वेक्टर स्पेस आता है गेट में भी, IIT गेट एग्ज़ाम, IIT JAM एग्ज़ाम में भी आता है और ऑल MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आता है और नेट और JRF में भी आता है। नेट और JRF में तो इसका बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है वेक्टर स्पेस, मतलब लीनियर अलजेब्रा का बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है नेट और उसमें JRF के एग्ज़ाम में। तो इसका मतलब एक लीनियर अलजेब्रा की एक मेन टॉपिक है वेक्टर स्पेस। तो आज हम वेक्टर स्पेस के बारे में जानेंगे, वेक्टर स्पेस का इंट्रोडक्शन, वेक्टर स्पेस होता क्या है, और उसके बाद आएगा लाइक सब स्पेस क्या होता है और लीनियर कॉम्बिनेशन एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा। इसके बाद आएगा लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। इसके बाद आएगा वेक्टर स्पेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बेसिस एंड डायमेंशन। तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ वेक्टर। तो वेक्टर स्पेस की स्टार्टिंग, मतलब वेक्टर स्पेस का बिल्डिंग ब्लॉक होता है वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की डेफिनेशन अलग अलग होती है, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होती है, मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होती है और कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर की डेफिनेशन अलग होती है। तो आज तक हम पढ़ते आए हैं वेक्टर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम स्कूल टाइम से पढ़ते आए वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन होती है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, एनी एंटिटी इन्वॉल्विंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमारी फिजिक्स ये डेफिनेशन देती है वेक्टर की। और कंप्यूटर साइंस के अकॉर्डिंग वेक्टर इज जस्ट ए फैंसी वर्ड फॉर, तो कंप्यूटर साइंस में वेक्टर को सिर्फ एक फैंसी वर्ड के रूप में यूज करते हैं। दे कॉल एनी टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा एज वेक्टर। उनके पास कोई भी टेबुलर फॉर्म होती है डाटा की। कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, कोई भी वो डाटा कलेक्ट कर एक टेबल बनाया उसी को वेक्टर बोल देते हैं। जैसे हम एक यहाँ पे क्या है आपको एक मैट्रिक्स टाइप टेबल देख रही है, एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने। जैसे इसमें टेबल में डाटा फिल किया, सिटी, किसी सिटी का नाम, उसकी पॉपुलेशन, उसका सेक्स रेशियो और उसका एरिया। तो एक टेबल होगी और इसी को वो वेक्टर बोल देते हैं एज ए फैंसी वर्ड। तो इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स डेफिनेशन जो हमें अभी पढ़नी है, जो वेक्टर स्पेस में हम पढ़ते हैं कि वेक्टर क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इट इज़ ए लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, इन मैथमेटिक्स एनीथिंग कैन बी ए वेक्टर। मैथमेटिक्स में क्या होता है, एनीथिंग कैन बी ए वेक्टर। जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि वेक्टर हैज ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो फिजिक्स की डेफिनेशन थी। अब मैथ्स में हम पढ़ेंगे कि कुछ भी चीज़ जो हम लोग सोच भी नहीं सकते वो भी हम उसका एज ए वेक्टर पढ़ेंगे। जैसे आगे आगे आप जैसे जैसे वेक्टर स्पेस पढ़ोगे आपको खुद अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो अब आते हैं हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पे। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, दिस इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय वेक्टर एंड स्केलर बाय सम पर्टिकुलर रूल। एक वेक्टर स्पेस क्या होता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, किससे बना होता है, वेक्टर और स्केलर से मिलकर बना होता है। इन जनरल वेक्टर स्पेस क्या होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप होता है अंडर एडिशन। यहाँ पे वेक्टर स्पेस में दो ऑपरेशन डिफाइन करेंगे हम, दो ऑपरेशन लेने पड़ेंगे हमें वेक्टर स्पेस डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट होता है एडिशन होता है जो वेक्टर्स पे अप्लाई करते हैं, एंड सेकंड वन स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो स्केलर पे अप्लाई होता है। तो इन जनरल बात करें तो वेक्टर स्पेस एक कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर एडिशन तो होता ही है, मतलब इससे ज़्यादा होता है, लेकिन इन स्टार्टिंग वो एक कॉम्पिटिटिव ग्रुप अंडर एडिशन तो होगा ही होगा। उसके बाद भी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी हैं जो वो वेक्टर स्पेस फॉलो करता है, वो क्या होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद उसकी कुछ सर्टेन दो तीन प्रॉपर्टी हो रहे हैं जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। ए वेक्टर स्पेस, इसको हम लीनियर स्पेस भी बोल सकते हैं, वी ओवर ए फील्ड एफ। तो वेक्टर स्पेस डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एक सेट डिफाइन करना पड़ेगा, कोई भी वेक्टर्स का एक सेट होगा और एक फील्ड लेना होगा। ये दो चीज़ कंपलसरी है वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए। तो ए वेक्टर स्पेस वी ओवर ए फील्ड एफ कंसिस्ट ऑफ ए सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए सेट ऑन विच टू ऑपरेशन, अभी बोला मैंने टू ऑपरेशन डिफाइन कर लेंगे, कॉल्ड एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर डिफाइंड, ये दो ऑपरेशन डिफाइन कर लेंगे। सो दैट फॉर ईच पेयर ऑफ एलिमेंट एक्स वाई इन वी, एक्स वाई के अंदर जो भी वेक्टर्स होंगे, जो भी पेयर होगा एक्स वाई, जिसको हम बोल रहे हैं एक्स वाई से भी नोट करें, देयर इज ए यूनिक एलिमेंट एक्स प्लस वाई इन वी, इसके लिए एक यूनिक एलिमेंट होगा एक्स प्लस वाई। एंड फॉर ईच एलिमेंट अल्फा इन एफ, मतलब फील्ड में, एंड ईच एलिमेंट एक्स इन यू देयर इज एन यूनिक एलिमेंट अल्फा एक्स इन यू। तो जनरली क्या करना चाहता है, कोई भी वेक्टर लेंगे उनका एडिशन भी उसी सेट में लाई करेगा, बिलोंग करेगा, और कोई भी एक स्केलर लिया फील्ड का और उसकी मल्टीप्लाई की वेक्टर से, तो जो नई क्वांटिटी आई वो भी उस सेट वेक्टर के सेट में बिलोंग करनी चाहिए। सो दैट दीज कंडीशन होल्ड्स, मतलब इनके साथ साथ ये जो ऑपरेशन डिफाइन किए ऐसा होना चाहिए, इसके साथ साथ जो सर्टेन कुछ 8 प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी टोटल, वो भी वेक्टर स्पेस में डिफाइन होनी चाहिए। एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव, जो वेक्टर्स है वो अंडर एडिशन क्या होती है, वो कम्यूटेटिव होने चाहिए। तो कम्यूटेटिव आपको पता ही होता है क्या होता है, इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू वी दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, मतलब ऑर्डर कोई मैटर नहीं रखता है आगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड फॉर ऑल एक्स प्लस फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू वी। तो इस प्रॉपर्टी का मेन पर्पज क्या होता है कि हम कितने भी वेक्टर्स ले लें उनको किसी भी मैनर में, किसी भी पैटर्न में हम उनको ऐड कर सकते हैं, मगर उनको कोई पैटर्न कुछ मैटर ही नहीं रखता, हम कहीं भी ब्रैकेट लगा लें, कैसे भी ऐड कर लें, सेम रिजल्ट आना होता है। यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मेन पर्पज होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर कॉल्ड जीरो सच दैट जीरो प्लस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, ये जीरो क्या बोलते हैं हम इसको, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर ऑल एक्स इन वी देयर एग्जिस्ट वाई इन वी सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ये क्या है, जीरो, एक जीरो वेक्टर है और ये क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, और वाई को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी वन मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स, और किसी भी वेक्टर को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई डिफरेंस नहीं होगा रिजल्ट में, वो एक्स ही रहेगा, एडिटिव रहेगा। यहाँ पे वन क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, और वन कहाँ से बिलोंग करता है, फील्ड से आता है। फॉर ईच पेयर ए बी इन एफ एंड ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू वी ए बी एक्स इक्वल टू ए इंटू बी एक्स, यहाँ पर क्या हो गया कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो यहाँ पे कोई भी हम दो स्केलर लिए, उनका मल्टीप्लाई किया, फिर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल होता है, किसी एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट है उसको सेकेंड स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया, वो किसके इक्वल होगा, जो हम रिजल्ट पहले आया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है किसी भी दो वेक्टर्स को पहले ऐड कर ले, फिर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर ले, या फिर उस स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर उसी स्केलर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। एंड लास्ट प्रॉपर्टी है कि किसी भी दो स्केलर्स को ऐड करके फिर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर किसी भी स्केलर को उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो और दूसरे स्केलर को उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो। तो ये सारी कॉमन सी प्रॉपर्टी है, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस होकर रिजल्ट नहीं चाहिए। हियर वी कॉल्ड एलिमेंट ऑफ वी एज वेक्टर एंड एलिमेंट ऑफ एफ एज स्केलर, तो ये तो मैंने बता दिया पहले ही। तो इन जनरल हम सोच के देखें वेक्टर स्पेस को अगर हम फील करना चाहें तो क्या होता है, देखो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं प्लेन या स्पेस। प्लेन में क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास, और स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। तो प्लेन में जितने भी पॉइंट होते हैं, जितने भी वेक्टर होते हैं, जितने हम कोऑर्डिनेट आगे जितने डिनोट कर सकते हैं वो सारे वेक्टर्स होते हैं। हमने वही पढ़ा है, एक एरो ड्रा करते हैं जिसकी टेल ओरिजिन पे होती है और जो हेड होता है वो उन कोऑर्डिनेट्स होता है। तो प्लेन में किसी भी वेक्टर को डिनोट करने के लिए हमें दो क्वान्टिटी चाहिए, दो कोऑर्डिनेट चाहिए, दो कोऑर्डिनेट थी, इसलिए हम उसको टू डायमेंशनल बोलते हैं। और स्पेस में हमें तीन कोऑर्डिनेट थी, इसलिए वो तीन डायमेंशनल होता है। तो प्लेन में देखिए जितने भी वेक्टर्स होते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं, वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? हमने एक वेक्टर लिया, एक दूसरा वेक्टर लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक तीसरा वेक्टर आएगा, तो प्लेन में ही रहेगा, प्लेन से बाहर नहीं जाना। तो ये क्या होगा, वेक्टर एडिशन को क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जो हमने वेक्टर स्पेस की फर्स्ट कंडीशन यही थी। और सेकंड वन, वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक वेक्टर ही रहेगा प्लेन में, प्लेन से बाहर नहीं जाएगा, कोई भी स्केलर ले लें हम फिर से। तो इसलिए वो प्लेन वाला एक वेक्टर स्पेस बनाता है टू डायमेंशन। इसी तरह स्पेस में देख लेंगे, कोई भी वेक्टर ले लिया तीन कोऑर्डिनेट वाला और दूसरे वेक्टर में ऐड किया, ऐड किसमें कर सकते हो, ऑब्वियसली थ्री डायमेंशनल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। फिर नया एक वेक्टर आएगा, वो भी थ्री डायमेंशनल होगा, स्पेस से बाहर नहीं जाएगा, और इसी तरह उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी स्पेस में ही रहेगा, तीन डायमेंशनल रहेगा। तो वो क्या होगा, एक थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बनाती है। जनरल एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन। आगे चल के वेक्टर स्पेस आएगा, मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस आएगा, पॉलिनोमियल्स का आएगा, फंक्शंस का आएगा, सीक्वेंस का आएगा, अलग अलग वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है, एवरी वेक्टर स्पेस इज रिगार्डेड एज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए गिवन फील्ड। हमें कोई भी वेक्टर स्पेस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम एक फील्ड की बात करेंगे कि किस फील्ड पे वो वेक्टर स्पेस बना रहा है, ठीक है। तो हमें फील्ड मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इफ वी चेंज फील्ड द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर विल चेंज। अगर हमने फील्ड चेंज किया तो उस जो कम्यूटेटिव ग्रुप बना था उसका जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना के उसमें वेक्टर स्पेस फॉर्म किया था उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा अगर फील्ड चेंज कर दिया तो हमने। Here we use two operations, addition and multiplication। दो ऑपरेशन हमने पीछे डिफाइन किए कि दो ऑपरेशन पे डिफाइन करना पड़ता है। These are not as general as their name। यहाँ पे हमने उसको एडिशन बोल दिया और मल्टीप्लिकेशन बोल दिया। तो ये सिर्फ एज जनरल, जैसे हम बोलते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, वैसे नहीं है। हमने इनको जनरल ऐसे बोल दिया है, लेकिन इनका ऑपरेशन अलग अलग वेक्टर स्पेस को अलग अलग डिफाइन होता है, अलग अलग डिफाइन करना पड़ता है किसी भी वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए कि प्लस का वहाँ पे मीनिंग क्या है और मल्टीप्लिकेशन का वहाँ पे मीनिंग क्या है। सो इन डिस्क्राइबिंग ए वेक्टर स्पेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई नॉट ओनली द वेक्टर्स बट आल्सो द ऑपरेशन। तो वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए सिर्फ हमने वेक्टर्स को डिफाइन नहीं करना कि हमने मैट्रिक्स एज ए वेक्टर लिया है या पॉलिनोमियल एज ए वेक्टर लिया है या कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन में वेक्टर लिया है। हमने वहाँ पे ऑपरेशंस को भी डिफाइन करना पड़ता है कि दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो किस टाइप से वो कौन से रूल से ऐड होंगे, क्या कौन सा रूल वो फॉलो करेंगे वेक्टर्स। अगर उनके ऊपर एडिशन का ऑपरेशन लगाएंगे अगर या फिर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाएंगे तो किस पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग वो वेक्टर्स चेंज होंगे, तो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। जनरली वेक्टर स्पेस इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर वेक्टर एडिशन एंड फॉलो सम पर्टिकुलर रूल ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। रफली वेक्टर स्पेस इज ए algebraic structure where any vector addition and scalar multiplication can't go outside the structure। जैसे मैंने बताया प्लेन और स्पेस की बात की, वहाँ पे प्लेन में वेक्टर्स के बीच में एडिशन का ऑपरेशन डिफाइन करिए या मल्टीप्लिकेशन का, वेक्टर हमेशा प्लेन में रहेगा, प्लेन से बाहर नहीं जाएगा, उस स्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाएगा, ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर्म। ये कोई भी एक कोऑर्डिनेट है, जैसे हमने प्लेन में क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई, स्पेस में तीन होते हैं एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे ये एन कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको हम बोलते हैं एन टपल्स, ए1 ए2 ए3 और एन तक जाते हैं। ये मतलब एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा क्योंकि यहाँ पे एन नंबर सी हमें इसे डिफाइन करने के लिए। फिर ए1 ए2 एन बिलोंग्स टू फील्ड इज कॉल्ड एन टपल, ये इसको हम एन टपल बोलेंगे। प्लेन में जो होता है उसको बोलते हैं क्या होता है, डबलेट, और स्पेस में क्या होगा, ट्रिपलेट। द सेट ऑफ ऑल एन टपल्स विद एंट्रीज फ्रॉम ए फील्ड इज डिनोटेड बाई एफ एन, ठीक है। यहाँ पे जो एन सेट ऑफ ऑल, कलेक्शन ऑफ ऑल एन टपल्स का जो सेट बना है हमारे पास, एंट्री कहाँ से होगी, मतलब ए1 ए2 कहाँ से आएगी, फील्ड से, और उस पूरे सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ एन। मतलब एन टपल्स के वेक्टर स्पेस को हम एफ एन से डिनोट करेंगे। दिस सेट फॉर्म से वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, और ये वेक्टर स्पेस कौन से फील्ड में बनेगा, एफ फील्ड पे, जहाँ से ये एंट्री आई थी ए1 ए2 उसी फील्ड पे ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो देखा यहाँ पे भी फील्ड डिफाइन है, तो हमें फील्ड डिफाइन करना पड़ेगा हर जगह विद द ऑपरेशन ऑफ कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ पे मतलब ऑपरेशन को डिफाइन करना मस्ट है। यहाँ पे क्या एडिशन क्या है, कोऑर्डिनेट वाइज, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऐड होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड में ऐड होगा। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन किया, जैसे लेट यू एक वेक्टर है और वी भी दूसरा वेक्टर है, दोनों एफ एन से बिलोंग करते हैं एंड सी बिलोंग्स टू एफ फील्ड से डिफाइन बिलोंग करते हैं। देन यू प्लस वी मतलब एडिशन को इन्होंने ऐसे डिफाइन किया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट में ऐड हुआ, सेकंड सेकंड में, थर्ड में और लास्ट में। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन किया, मतलब सारे कोऑर्डिनेट से उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। Here u and v are the vectors and c is scalar. Here we can write as a column vectors. हम यहाँ पे वेक्टर्स को अभी तक जैसे रो मैट्रिक्स के रूप में लिख रहे थे, हम इनको कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ही रहेगा वो एक कॉलम मैट्रिक्स के रूप में, इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। Only one tuple whose only entry is from a field can be regarded as an element of F. जैसे हमने अभी तक डबलेट ट्रिपलेट और एन टपल की बात की, ऐसे सिर्फ वन टपल जिसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट हो और जिसकी एंट्री फील्ड से आ रही हो कैन बी रिकॉर्डेड एज एलिमेंट ऑफ एफ, वो फील्ड का एक एलिमेंट के रूप में रिकॉर्डेड हम उसको समझेंगे। द सेट ऑफ ऑल एम क्रॉस एन मैट्रिक्स विद एंट्री फ्रॉम ए फील्ड एफ इज ए वेक्टर स्पेस। अभी क्या बोलना चाह रहे हैं कि m क्रॉस n की जो मैट्रिक्स का सेट है इसकी एंट्री कहाँ से आ रही है, मैट्रिक्स की एंट्री फील्ड f से आ रही है, इज ए वेक्टर स्पेस विच वी डिनोट बाई, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे कैपिटल M से और उसका ऑर्डर नीचे लिखेंगे m क्रॉस n, और जिस फील्ड से उसकी एंट्री आ रही है वो फील्ड इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। विद द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे देखो इसने ऑपरेशन को कैसे डिफाइन किया है। लेट two matrix belongs to this set and scalar C belongs to field. तो हमने दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, एंड मतलब उसके कोऑर्डिनेट जो मैट्रिक्स में कॉर्नर एलिमेंट है वो दूसरी मैट्रिक्स के कॉर्नर एलिमेंट में ही ऐड होगा। जैसे A11 है तो वो दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसी में ऐड होगा, मतलब एज ए कंपोनेंट वाइज है ये भी। और जैसे m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर तो ऑब्वियसली सेम है, तो एडिशन वहाँ पे डिफाइन हो सकता है। और सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन किया उन्होंने, अगर स्केलर को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के सारे एंट्रीज के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा स्केलर। हेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n आर एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस, यहाँ पे जो एक मैट्रिक्स है ना वो एक एलिमेंट है उस वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स को एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एंड एफ बी एनी फील्ड, एफ कोई फील्ड है, एंड लेट एफ एस एफ इस तरह से डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करें, डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम एस टू एफ, ये उन सारे फंक्शन का सेट है जो जिनका डोमेन एस है और कोडोमेन एफ है, फील्ड है। एंड टू फंक्शन f एंड g आर कॉल्ड इक्वल, दो फंक्शन लेंगे हम इस सेट से इस कलेक्शन से और उनको इक्वल कब बोलेंगे, जब f एंड g हर पॉइंट पे s के हर पॉइंट पे इक्वल वैल्यू दे रहे हैं हमें। तो हम इस नोटेशन से किसको डिनोट करते हैं, सेट ऑफ ऑल फंक्शन हुज डोमेन इज s एंड हुज कोडोमेन इज f। द सेट f sf इज ए वेक्टर स्पेस विद द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन फॉर एफ एंड जी बिलोंग्स टू, यहाँ पे ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा अंडर दिस टू ऑपरेशन जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। ये आप देख लेना कि एफ प्लस जी कैसे डिफाइन है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन है। हियर वी कॉल फंक्शन एज ए वेक्टर्स ऑफ वेक्टर स्पेस, यहाँ पे हम फंक्शन को एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक ए पॉलिनोमियल विद कोफिशिएंट फ्रॉम ए फील्ड एफ इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, पॉलिनोमियल को हम ऐसे डिनोट करते हैं जिसकी एंट्री किसी एक फील्ड से आ रही है। एफ एक्स को कैसे लिखेंगे, ए एन एक्स एन प्लस में ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन सो वन ए वन एक्स प्लस ए नोट। वेयर एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे जो एन है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। एंड ईच ए के कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, यहाँ पे ईच ए के जो ए की क्रम में लिखा हो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के इज इन एफ। और जो ये सारे ए के हैं ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, एफ से आ रहे हैं, एफ में बिलोंग कर रहे हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो तो इसका क्या मतलब, एफ एक्स जीरो कब होगा जब ये सारे कोफिशिएंट्स जीरो हो जाएंगे। देन एफ एक्स इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की जनरली डिग्री डिफाइन नहीं होती, लेकिन फिर भी हम फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिफाइन इट्स डिग्री टू बी -1। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से इसकी डिग्री को -1 ट्रीट कर रहे मान लेते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री -1 होती है, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं, सारे जीरो है तो हाईएस्ट और लोएस्ट क्या होगा, हम एक्स की पावर कुछ भी मान सकते हैं, एन। तो मतलब एक पर्टिकुलर डिफाइन नहीं हो पा रही है, मतलब यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होगी जीरो पॉलिनोमियल। अदरवाइज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज डिफाइंड टू बी द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स। द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू सी इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इफ सी नॉट इक्वल टू जीरो एंड सी बिलोंग्स टू एफ। फील्ड से बिलोंग करना चाहिए सी और जीरो नहीं होना चाहिए। अगर सी जीरो हो गया तो ये जीरो पॉलिनोमियल बन जाएगी, अदरवाइज इट इज कॉल्ड constant polynomial and degree of constant polynomial is zero। और यहाँ पे क्या होता है, constant polynomial की डिग्री क्या होती है, जीरो। वी कैन राइट इट एज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, जैसे जनरल हमने polynomial की फॉर्म लिखी थी उसमें लिख सकते हैं। और यहाँ पे जिस सारे कोफिशियंट हैं an -1 अप टू a1 ये सारे जीरो हो जाएंगे और जो a0 है वो c के इक्वल हो जाएगा। तो a0 के साथ x की कितनी पावर है, जीरो, इसलिए हम इसकी डिग्री क्या बोलते हैं, जीरो डिग्री होती है। द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल व्हिच कोफिशिएंट कम फ्रॉम फील्ड एफ इज ए वेक्टर स्पेस डिनोटेड बाय पी ब्रैकेट में एफ। तो जो सारे पॉलिनोमियल्स का सेट है जहाँ जिसके कोफिशिएंट किसी पर्टिकुलर फील्ड से आ रहे हैं तो वो वेक्टर स्पेस बनाता है उस फील्ड के ऊपर अंडर द ऑपरेशन एज डिफाइंड। तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों डिफाइन किए हुए हैं। तो कैसे डिफाइन होगा, अगर दो पॉलिनोमियल हैं तो उनको ऐड कैसे करेंगे, मतलब x की पावर n है तो x की पावर n के कोफिशिएंट x उसमें दूसरी पॉलिनोमियल के x की पावर n के कोफिशिएंट में ऐड होंगे, ठीक है। यहाँ पे दो पॉलिनोमियल एफ एक्स एंड जी एक्स, तो एफ एक्स में कोफिशिएंट लिखे हैं ए एन के क्रम में an -1 अप टू a1 a0, और जो जी एक्स है उसके कोफिशिएंट है bn के क्रम में। तो जो सेम एक्सपोनेंट का वेरिएबल है उसके वो उसी एक्सपोनेंट के वेरिएबल में ही ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पे x है, दोनों पॉलिनोमियल में वेरिएबल x ही रहेगा, वेरिएबल चेंज नहीं होगा। ऐसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, सारे कोफिशिएंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दिस वेक्टर स्पेस द वेक्टर आर पॉलिनोमियल। यहाँ पे इस वेक्टर स्पेस में हम वेक्टर क्या होगा, पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल को हम एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बता दिया था मैथमेटिक्स में एनीथिंग कैन बी ए वेक्टर। यहाँ पे हमने देखा मैट्रिक्स भी एक वेक्टर था, पॉलिनोमियल भी एक वेक्टर बन रहा है, फंक्शन भी एक वेक्टर बन रहा है। अब आगे देखेंगे हम सीक्वेंस भी एक वेक्टर बनेगा। वी नो सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर टू एनी फील्ड एफ। हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन बताया कि एक फंक्शन होता है जैसे पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर से एक फंक्शन होता है टू एनी फील्ड एफ। We do not sequence here as an n, हम सीक्वेंस को इस तरह डिनोट करेंगे जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे अगर हम f को रियल नंबर ले लें तो हम क्या बोल देंगे, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, और फील्ड को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया तो क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ लेट V कंसिस्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस an in f that have only a finite number of non-zero terms an। हमने एक सेट लिया सभी सीक्वेंस का जिसमें कुछ फाइनाइट टर्म्स ही नॉन जीरो हैं। तो आगे क्या होगा, इफ an एंड bn आर इन b एंड t बिलोंग टू f, डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस में वेक्टर, मतलब यहाँ पे एडिशन वाला ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे दो सीक्वेंस का एडिशन होगा और यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से होगा। मतलब एडिशन में क्या होगा, टर्म बाय टर्म ऐड होंगी, मतलब पर्टिकुलर फर्स्ट टर्म सीक्वेंस की दूसरी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म में ऐड होगी, सेकंड टर्म second term में ऐड होगी। विद दीज ऑपरेशन वी यूज वेक्टर स्पेस। इन दो ऑपरेशन जो हमने डिफाइन किया है इसके अंडर जो सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस का ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमने जितने वेक्टर स्पेस पढ़े वहाँ पे सभी में पहले वेक्टर्स का सेट को डिफाइन किया है, फिर फील्ड को डिफाइन किया है और उसके बाद दोनों ऑपरेशन को डिफाइन किया है, तब जाके हम इसको बोल सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। और मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि ये सारे वेक्टर स्पेस हैं। आप घर पे इनकी प्रैक्टिस चेक कर सकते हैं। जो हमने एक डेफिनेशन प्रॉपर्टी बताई थी वेक्टर स्पेस की R, तो आप सभी घर पे बैठ के वो सारी एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेट ऑन विच एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर डिफाइंड देन दैट सेट इज नॉट नेसेसरली वेक्टर स्पेस। तो जैसा कि मैं अभी बता रहा है कि कोई भी सेट है जिसपे हमने एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर दिया तो जरूरी नहीं कि वेक्टर स्पेस फॉर्म करे। जो हमारे पास और भी एक प्रॉपर्टी थी उनमें से कोई एक भी फेल होगी तो वो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए हमें वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा के देखनी पड़ेगी। एज जैसे जैसे हम आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जनरली देखते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी फेल हो गई, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फेल हो सकती है। ठीक, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल लेट एस इक्वल टू, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट का एक वेक्टर लिया है वेक्टर्स, और जो कोऑर्डिनेट कहाँ से आ रहे हैं वो रियल नंबर्स हैं, और a1 a2 एंड b1 b2 बिलोंग्स टू s एंड c बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे इन वेक्टर्स का एडिशन इस टाइप से डिफाइन किया हमने। फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट में ऐड हो रहा है, सेकेंड सेकेंड पे, सेकेंड वाला यहाँ पे माइनस हो रहा है, a2 माइनस b2 है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस पर डिफाइन किया। तो यहाँ पे हमने देखा वेक्टर एडिशन डिफाइन कर रखा है हमने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर रखा है, लेकिन ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा आगे देखते हैं हम। इसमें जो हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बताई थी जो इनको हम एग्जाम्स बोलते हैं वेक्टर स्पेस के एग्जाम्स, यहाँ पे जो पहला एग्जाम था सेकेंड था और लास्ट वाला था वेक्टर स्पेस को फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे क्योंकि ये वेक्टर एडिशन क्या नहीं है, यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं है। यहाँ पे इनको जैसे यहाँ पे अभी लिखा है a2 माइनस b2, अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, पहले b1 b2 लिखे और बाद में a1 a2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b2 माइनस a2 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मतलब अलग अलग चीज़ें ऑर्डर, अगर ऑर्डर चेंज कर दिया तो डिफरेंट चीज़ें मिलेगा। तो पहला तो क्या था कम्यूटेटिव वाला था, वो फेल होगा, a2 फेल हो गया तो मतलब वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, so we must check all the exams to ensure that any set is a vector space or not. Next, cancellation law of vector addition. If x, y, and z are vectors in a vector space V such that x plus y equal to x plus z. कोई भी वेक्टर स्पेस है इसमें हमने तीन वेक्टर्स ले लिए और वो इस सर्टेन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब x plus y equal to x plus z है, then y equal to z हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या होगा x कैंसिल आउट हो गया। इसका प्रूफ देखते हैं कैसे हो गया। और देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर v इन वेक्टर स्पेस v सच दैट x प्लस v इक्वल्स टू 0। मतलब ये प्रॉपर्टी की हमने पढ़ी थी कि एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो x के लिए उसका एडिटिव इनवर्स हमने मान लिया कि स्मॉल v है। दस y और y को हम ऐसे ही लिख सकते क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है जीरो वेक्टर, और एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी वेक्टर में ऐड करने के इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो y इक्वल टू वाई प्लस 0 ये लिख सकते हैं, और 0 के प्लेस में हमने जो ऊपर डिफाइन किया वो लिख सकते हैं y प्लस एक्स प्लस वी। और जैसा कि वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है तो हम इसको ब्रैकेट को थोड़ा रिप्लेस करते हैं, x प्लस वाई प्लस वी लिख दिया हमने। अब x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हमने, x प्लस जेड दिया हुआ है, तो x प्लस वाई के प्लेस में क्या लिखते हैं x प्लस जेड प्लस वी। तो ये क्या हो गया, फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया, जेड प्लस एक्स प्लस वी हो गया, और एक्स प्लस वी क्या लिखा हमने यहाँ पे 0, तो जेड प्लस 0 और जेड प्लस 0 क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। यहाँ से क्या गया वाई प्लस टू जेड, अब एक्स कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। तो नेक्स्ट है इन एनी वेक्टर स्पेस वेक्टर 0 इज ऑलवेज यूनिक। यहाँ पे जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो ऑलवेज यूनिक रहेगी, और एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी वेक्टर इज ऑल्सो यूनिक। तो ये हो गया वेक्टर स्पेस का इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन और कुछ वेल नोन वेक्टर स्पेस के एग्जांपल। तो आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ मैं ट्रू फॉल्स देता हूँ। आप इनकी प्रैक्टिस किए, उनको टिक मार्क कीजिए, जो ट्रू है उसको ट्रू एंड फॉल्स को फॉल्स। और उनके आंसर चेक करने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए, नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर बताऊंगा और उनके डिटेल में सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।